हम इस समय रोहित के साथ और उनसे पूछते हैं कुछ और सवाल. Given a choice, like आप किस फिल्ममेकर के साथ काम करना चाहेंगे? Do you have a favorite filmmaker? मनी रत्नम. मनी रत्नम. Oh, talking about मनी रत्नम, did you see Roja in Bombay? I saw Roja in Delhi. Okay. What do you say for Roja? पहली बात तो मेरे लिए फिल्म ज़्यादा sensitive थी, because मैं उन्हीं circumstances में मतलब मैंने वो circumstances खुद देखे हैं. एंड मतलब द फैक्ट इज कि कश्मीर से हम अलग कर दिए गए हैं. इट्स रियली क्वाइट डिस्टर्बिंग एक्चुअली, बट आई थिंक द वे मनी रत्नम हैज ट्रीटेड दैट फिल्म इज बीन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट ट्रायम्फ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट अरविंद स्वामी एज एन एक्टर? आपको लगता है ही इज अ गुड एक्टर? आई थिंक अरविंद स्वामी इज अ काइंड ऑफ एक्टर हु रियली ग्रोज ऑन यू. मतलब जब वो पहली आप उनको पहली दफा देखो तो वो आपको इंस्टेंट रिएक्शन होता है, ये कैसे हीरो बन गए, यू नो. बट देन यू रियलाइज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ जेंटलनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ देयर इज समथिंग वेरी जेंटल एंड वेरी सॉर्ट ऑफ पीसफुल अबाउट हिम. उनके बारे में कुछ बहुत सुकून, यू नो, समथिंग बहुत लाइक अ वेरी Very nice. So, आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए ज्यादा जरूरी क्या होता है, टैलेंट और द लुक? आई थिंक और तरीके के टैलेंट्स होते हैं एक्चुअली, जो कि यू नो दे डिसाइड कि आपका करियर किस साइड कैसा रुख पकड़ेगा. बट आई मीन देयर आर टैलेंट्स ऑफ बीइंग गुड टू पीपल और बीइंग देयर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, गुड पीआर, दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ कोर्स. You know what I'm trying to say? Public relations. But on the other hand, कौन सी पार्टी में क्या होता है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे मिलते रहना चाहिए, वो तो हो गया एक साइड. दूसरी साइड आई थिंक बिगिनिंग में सर्वाइवल के लिए तो दूसरी बात है, बट बिगिनिंग में टू गेट नोटिस्ड कपड़े कम पहनने चाहिए, या ये वल्गर टाइप वल्गर फैंसी सीन्स करने चाहिए फिल्मों में, जिसकी वजह से पब्लिक आपको नोटिस करे, और खासकर मासेस.